हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना फिर चैनल अपना संसार। तो एकदम से बेकार की चीज़ों से अगर हम कुछ बढ़िया सा बना सके, खूबसूरत सी डीआईवाई बना सके ना, तो घर को सजाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्लांटर मैंने बनाया था और ये आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। उसी तरीके से आज भी मेरे पास एक पुराना सा छोटा सा मटकी रखी हुई थी, तो मैं उस मटकी का डीआईवाई बनाऊंगी और बताइएगा कि बनने के बाद में कैसी लग रही है। तो चलिए बनाते हैं आज की डीआईवाई। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल यूनिक सी सिंपल सी डीआईवाई, जिससे घर से जाना होगा बहुत आसान और हम उस डीआईवाई को बनाएंगे चुटकियों में। तो चलिए अभी बनाना इस शुरू तरीके करते की हैं। छोटी छोटी सी मटकियाँ हमारे घरों में अक्सर आया करती हैं, कभी नवरात्र में, कलश स्थापना में, कभी किसी पूजा पाठ में। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग निकाल करके फेंक देते हैं, बस यूज हुआ उसके बाद फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद मत फेंकिएगा, क्योंकि ये इससे बनती बहुत सुंदर डीआईवाई और इतनी यूजफुल डीआईवाई होती है कि आप देखोगे तो सोचोगे वाकई में यार हमने फेंक करके तो बहुत गलती की, इसे तो बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मैं इसे व्हाइट से पेंट कर देती हूँ। अगर आपको कोई और पेंट कलर पसंद हो तो आप उसे भी यूज कर सकती है, मेरे पास बस कुछ ही कलर है तो मैं उन्हीं से आपको सिर्फ ये बना करके दिखा रही हूँ, और बेकार पड़ी थी तो मेरी यूज भी हो जाएगी। अब कलर आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं और किस कलर का, वाइट, गोल्ड, किसी भी कलर का लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। अभी मैं इसको वेस्ट कोट कर दे रही हूँ और उसके बाद में मैं इस पे फिर से एक और कोट कर दूंगी। अक्सर पेंट करते हुए हाथों में कलर लग जाता है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स पहन सकती हैं। तो अब एक कोट हो गया, सूख गया है, तो मैंने सोचा चलो अंदर की तरफ भी थोड़ा सा कर दें। मैं अंदर पूरा नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़े दिन बाद में प्लांट लगाऊं तो मैं फिर मिट्टी डालूंगी। और अब मैं दूसरा कोट कर दे रही हूँ। तो मेरे मूड की बात होती, मैं इसमें कब क्या करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता होता, तो मैं फिर उसी के हिसाब से थोड़ा सा करती हूँ। बाहर अच्छे से पेंट कर देना है डबल कोट करके, ताकि इसका कलर जो है निकले नहीं। ये देखिए हमारी मटकी रेडी हो गई और अब हम रख रहे हैं इस पे इस तरीके से फेविकोल की हेल्प से ग्लास जो मिरर होते हैं छोटे से, इनको जितना पास चाहिए पास रखें, चाहे दूर चाहे तो दूर रख लें, और डिजाइन आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। मैं चाहती थी इसमें कुछ और कलर बनाना, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगा, मैंने रेड वाइट में मिक्स किया, थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, लेकिन मुझे पिंक कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसमें और ज्यादा कलर कर दिया। ये देखिए, तो अब मैं इसको नहीं लगाऊंगी और ऐसे ही रख दूंगी। तो ईयरबड की हेल्प से मैंने इस पे इस तरीके से छोटे छोटे से डॉट बना दिए। आप चाहे तो इसको पूजा में भी यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी पूजा में रखी हुई। जब हम कलश का पानी इसमें भरेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगी देखने में। और मैंने दूसरा कलर ग्रीन कलर यूज कर लिया और मेरे पास ब्लू कलर था तो मैं ब्लू लगा दे रही हूँ, कोई और कलर नहीं था, तो बस मैं डॉट ही बनाती जा रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावर सा बनता जा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इस डिजाइन को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद आए तो जरूर बताइएगा कि इस डिजाइन को, इस तरीके की जो डिजाइन हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं।
दिमाग से उतर गया मेरे, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, साइड में भी थोड़ा सा बनाऊंगी जिससे पूरा कलश भर जाए। इस तरीके से और मिरर लगने से ना ये अपने आप में इतना खूबसूरत हो जाता है कि सारी कमी पूरी कर देता है। तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ नीचे भी। अब मैं इसके चारों तरफ से किसी एक कलर की, जिसको अमिया बोलते हैं, इस तरीके से बना दूंगी। ये कैमरे में उतना क्लियर नहीं लगता क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्पीड भी कर दी है और गलती भी कर दी है। मैंने बिल्कुल क्लियर जो है बनाते समय मेरा हाथ जो ऊपर हो गया था और कैमरा नीचे था, तो यहाँ पर भी गलती हो गई थोड़ी, उसके लिए सॉरी। इस तरीके से ये देखिए, अब बनाने का तो जो भी डिज़ाइन मन हो वो बनाते चले जाओ। अब इसको मैं टच कर दूंगी तीन तीन कलर से, तो ये बहुत प्यारा लगने लगा। और देखिए हमारा कलश बिल्कुल भर चुका है अपने डिजाइन से। अब आइए थोड़ा सा ऊपर भी बना देते हैं यहाँ पर। और ये एक काम ही नहीं आएगा, बहुत सारे काम आए। चाहे तो आप इसमें अपने मेकअप के ब्रश वगैरह रखते हो तो वो रख सकते हो, स्पून्स किचन में यूज कर सकते हो आप, स्पून्स रख सकते हो इसमें। डाइनिंग टेबल पर रख करके अगर आप इस पर स्पून रख दोगे ना, बहुत सुंदर लगता है ये। मैंने ट्राई किया, मैंने रखा है, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। और फ्लावर आप लगा सकते हो, या ऐसे भी आप चाहो तो इसमें लाइटिंग रख करके कुछ ऊपर से कोई फ्लावर वगैरह रख दो तब भी बहुत सुंदर लगेगा ये। तो ये ऑप्शन बहुत सारे हैं। एक छोटी सी मटकी को इस तरीके से और देखिए इसको रेडी करके मैंने रख दिया है टेबल पर, कितना सुंदर लग रहा है। बस थोड़े से फ्लावर डाल दिए हैं और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।